हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और जो लोग घर बैठे ऑनलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे, सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और सिलेबस के स्टडी मटेरियल को आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि प्रीवियस बैच जितने हैं सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, वो भी ₹325 पर मंथ में। इसके बाद आप सभी बैच एक्सेस कर सकते हैं, आने वाले या फिर पुराने बैच। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे आएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें। अब आपके सामने प्राइस खुल के आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करने हैं। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड डालें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं ₹325 पर मंथ है, जो कि SR अड्डा कूपन कोड अप्लाई करने पर ₹293 पर मंथ में पड़ेगा। तो आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आप रेलवे का भी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, तो ₹975 में आपको ये मिल जाएगा, जो कि ₹3600 में है। तो लेना चाहते तो ऐड कर दें, अन्यथा प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें और इसको छोड़ दें। और यहाँ पर आप लॉग इन करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चार टॉपिक हैं, सबसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि आधा नंबर कटेगा। इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और अगर डिटेल में सिलेबस की बात करें, तो आपका 10th लेवल का सिलेबस होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस में आपसे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस तथा जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आप डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जिसमें ब्लड रिलेशन वगैरह, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया तथा सिम्बल्स और उनके रिलेशनशिप, इसके अलावा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन फिर एनालिटिकल फंक्शन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो आपसे एवरीडे साइंस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के। इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और इकोनॉमिक सीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल पॉलिटी में आपसे भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल तथा फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर तथा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज तथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और इंटरेस्ट तथा प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्काउंट तथा यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें आपसे 10th लेवल की इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर तथा सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके करेक्ट यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हायर सेकेंडरी लेवल की। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस में आपसे सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड तथा फिगर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर तथा क्लासिफिकेशन, इसके अलावा ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल तथा पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेमेंटिक नंबर सीरीज, फिगरल पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे फोल्डिंग और कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज और क्रिटिकल थिंकिंग तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री, कल्चर तथा जियोग्राफी तथा इकोनॉमिक सीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटी
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपसे अर्थमेटिक तथा नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स तथा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपसे परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज इंटरेस्ट जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट तथा पार्टनरशिप बिजनेसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क तथा अलजेब्रा में आपसे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्च तथा ग्राफ और लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा, और ज्योमेट्री में आपसे फेमिलरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स तथा फैक्ट के बारे में पूछा जाएगा, इसमें ट्राइंगल और इसके वेरियस काइंड ऑफ सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, कंग्रुएंस तथा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में पूछा जाएगा, सर्कल और उसके कॉर्ड तथा टेंजेंट और एंगल के बारे में पूछा जाएगा, सबटेंडेंट बाय कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉमन टेंजेंट या फिर टू और मोर सर्कल के बारे में पूछा जाएगा, मेंसुरेशन में आपसे ट्राइंगल, क्वाड्रेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल तथा राइट प्रिज्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट सर्कुलर कोन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर तथा स्पेयर और हेमी स्पेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेक्टेंगुलर पैरेलोपाइड तथा रेगुलर राइट पिरामिड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बेस ट्रिग्नोमेट्री में आपसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें स्टैटिकल चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम तथा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार डायग्राम तथा पाई चार्ट के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तथा होमोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेलिंग तथा डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब तथा कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पैसेज तथा क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन तथा इसके ऊपर के लेवल का फॉर्म फिल किया है, उनसे जनरल इंटेलिजेंस में आपसे सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस तथा एनालॉजीज और स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग और विजुअल मेमोरी तथा डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन तथा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी तथा सेमेंटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिंबॉलिक तथा नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सेमेंटिक सीरीज और नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा वर्ड बिल्डिंग और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड तथा स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन और वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंच होल तथा पैटर्न जिसमें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के बारे में पूछा जाएगा, फिगरल पैटर्न में आपसे फोल्डिंग तथा कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेसिंग तथा एड्रेस मैच तथा डेट एंड सिटी मैचिंग के बारे में पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, रोल नंबर, स्मॉल तथा कैपिटल लेटर और नंबर कोडिंग के बारे में पूछा जाएगा, डिकोडिंग तथा क्लासिफिकेशन और एम्बेडेड फिगर के बारे में पूछा जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल तथा फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज तथा इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट तथा पार्टनरशिप बिजनेसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस तथा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन तथा ट्राइंगल और इसके वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स के बारे में पूछा जाएगा, कंग्रुएंस तथा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल और उसके कॉर्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा टेंजेंट, एंगल, सबटेंड बाय कॉर्ड ऑफ सर्कल, ट्राइंगल तथा क्वाड्रेटरल तथा रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पूछा जाएगा, सर्कल तथा राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर हेमी स्पेयर, रेक्टेंगुलर पैरेलोपाइड, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री तथा रेडियन मेजरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम और पाई चार्ट के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो एसएससी द्वारा कैंडिडेट की एबिलिटी चेक की जाएगी, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट इंग्लिश तथा उसकी बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी के बारे में, तो आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसमें। और इसके साथ ही अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर
कर दिया है। अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व को 35% कट ऑफ क्लियर करना होगा, ओबीसी को 30% तथा अदर कैटेगरी को 25% कट ऑफ क्लियर करना होगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।